हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर हूँ नेशनल हाईवे 27 पे। और यहाँ का जो मौसम है दोस्तों, इतना खुशनुमा है कि मुझे देख के और रुकना ही पड़ा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का मौसम अभी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद में जो बादल हैं किस तरीके से चित्राए हुए हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो कोटा सिटी का व्यू है और पीछे आप ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं DCM की, यहाँ का व्यू कितना यहाँ पर सुंदर लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से और उसके ऊपर जो वाइट कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ही गजब व्यू यहाँ पे अभी दिख रहा है। और ये जो सीन है, मतलब एक शिमला से कम नहीं है, इतना खूबसूरत सीन यहाँ से दिखता है। और ये जो भी पटरी देख रहे हैं आप, ये पटरी है यहाँ पर कोटा सिटी से जो ट्रेन वगैरह आती है इंदौर की तरफ जाने वाली। और पूरा इन्वायरमेंट देखिए आप, किस तरीके का व्यू अभी यहाँ पर दिख रहा है। दूर दूर तक केवल सिर्फ बादल ही बादल आपको दिखेंगे और गाड़ियाँ अभी यहाँ पर नेशनल हाईवे 27 पे आ रही है। तो ये नेशनल हाईवे 27 है जो चित्तौड़ की तरफ जाता है, उदयपुर की तरफ जाता है और 12 की तरफ भी ये रास्ता जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी एक छोटा सा ब्लॉग बना के और दिखाऊँ कि किस तरीके का व्यू अभी यहाँ पर हो रहा है कोटा सिटी में। तो गाइस, हम अभी घर से निकल चुके हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन नहीं मनाया, क्योंकि कल भद्रा लगा हुआ था और आज भद्रा की वजह से 12 तारीख को रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर हमारी गुड़िया के नानी के यहाँ पे। ये देखो, हमारी गुड़िया भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। गाइस, सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम विलेज में आ चुके हैं और पीछे देखिए आप, नदी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी जो जंगलों से अभी आ रहा है तो बहुत तेज़ बहाव पे है। और नदी, ये पुरानी पुलिया है यहाँ पर, इस पर अभी पानी चल रहा है क्योंकि अभी जंगलों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो उसी की वजह से ये जो फ्लो है बारिश का यहाँ पर अभी आ रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जंगलों में, देखिए आप कितना तेज़ बहाव अभी यहाँ पर बारिश का। ये यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है तो यहाँ पे भी पानी का बहुत बहुत तेज़ है। और ये पुरानी पुलिया है, चारों तरफ अभी पानी पानी दिख रहा है और धीरे धीरे जो नदी का बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। ये कुछ सीन है यहाँ पर पुलिया पर, नदी का पुरानी पुलिया है ये, जो खेतुन में निकल रही है, चंद्रलोई नदी के नाम से जानते हैं इस नदी को, तो इसका बहाव अभी तेज है और ये अपने चरम पे है अभी। आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ये डूब चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा व्यू इस नदी का दिख जाएगा। अभी देखिए जो पानी का बहाव है वो तेज होता जा रहा है और नीचे ये पुलिया है, इसमें पानी अभी आ भी नहीं रहा है, इतना पानी अभी यहाँ पर आ रहा है और पानी के जो यहाँ पर अभी बढ़ती जा रही है। आने जाने वाले जो राहगीर हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। पुरानी रियासतकालीन पुलिया है ये, तो कभी भी इसमें गिरने का खतरा भी, अंदेशा भी बना रहता है। ये देखिए चारों तरफ अभी पानी पानी है और पिछली बार तो ये पानी इतना बढ़ गया था कि सामने आप जो मकान देख रहे हैं उन मकानों तक ये पानी पहुँच गया था। फिलहाल यहाँ पर सब्ज़ी मंडी लगती थी पहले, तो अभी पानी भरने की सब्ज़ी मंडी तो यहाँ पर बंद हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पीपल के पेड़ पे अभी कितना पानी आ चुका है। ये देखिए पानी में इस तरीके से बहाव अभी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर नदी देखने के लिए, क्योंकि गांव में माहौल इस तरीके का होता है। अभी हमारे साथ में हैं हमारे साथी सत्य प्रकाश जी और अभी हम यहाँ पर नदी पर आए हुए हैं और पीछे नदी बह रही है अभी यहाँ पर, और सब लोग यहाँ पर नदी के आने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि गांव में इसी तरीके का माहौल होता है, इसी तरीके का माहौल देखने को हमें मिलता है। सब लोग उत्साहित होते हैं जब इस तरीके का माहौल यहाँ पर बनता है। इधर देखो आप सब्ज़ी मंडी का माहौल क्या हो रहा है। अभी सामने वो जो गेट दिख रहा है वो सब्ज़ी मंडी का मेन गेट है, और सामने ये जो आप बरसाती देख रहे हैं, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी की शॉप वगैरह लगती थी, तो फिलहाल ये डूब चुकी है और पानी का बहाव धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। पेड़ पौधे भी यहाँ पर डूब चुके हैं और ये जो भी मौका यहाँ पर देख रहे हैं, इस मौके पानी यहाँ से गुजर रहा है।
तो ये मेन रास्ता है यहाँ पर इस गांव में जाने आने का। तो लोगों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर पानी का तेज बहाव हो जाता है, डूब जाता है।